हेलो फ्रेंड, ये मेरा पहला कुकिंग वीडियो है और इसकी शुरुआत हम मीठे से करेंगे। मीठे में हम लोग बनाने वाले हैं शीरखुरमा, और बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग शीरखुरमा कैसे बनाते हैं ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे। शीरखुरमा बनाने के लिए हमें चाहिए 1.5 कप शक्कर, 1 कप भुनी हुई सेवई और 1/2 कप कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में हमने लिया है 1 टेबलस्पून चिरौंजी, 5 से 6 बादाम, 8-10 पिस्ता और 4 काजू। इसे कट करने से पहले हमने इसे 2 से 3 घंटे के लिए भिगाया था, फिर इसके छिलके निकाल के इसको हमने चॉप किया, फिर बाद में इसको हमने 2 दिन तक सुखाया है। अच्छे से सूखने के बाद हम इसको एक टिफिन में भर के फ्रिज में रख सकते हैं और ये 1 साल तक अच्छे रहते हैं। और हमने लिया है 4 चम्मच घी और इलायची और जायफल का पाउडर। 1.5 लीटर दूध के लिए 3 से 4 इलायची और 1 छोटा टुकड़ा जायफल का 2 चम्मच शक्कर के साथ मिला के हमें इसकी फाइन पाउडर बनानी है। अब शीरखुरमा बनाने के लिए हमने एक पतीला धीमी आंच पे रखा है, उसमें हम ऐड करेंगे घी। घी गरम होने के बाद में हम उसमें ऐड करेंगे सेवई। सेवई को अच्छे से भून लेंगे। सेवई अच्छे से भूनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट में हमने काजू, बादाम, पिस्ता, चिरौंजी लिया है। आप इसमें खजूर, मगज भी ऐड कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स और सेवई अच्छे से भूनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे अच्छे से पका हुआ दूध, और आप इस दूध में केसर भी डाल सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। दूध डालने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 कप शक्कर और शक्कर को अच्छे से पिघलने देंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे इलायची पाउडर। अब इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स करके 10 से 15 मिनट तक धीमी आंच पे पकाएंगे और आपका रेडी है टेस्टी शीरखुरमा।